हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? तो रायशा को क्या हो गया? इतने दिनों बाद आप व्लॉग बना रहे हो, क्या हुआ? अच्छा बता तो दो फ्रेंड्स को, एग्जाम चल रही है और कल किस चीज का एग्जाम है फ्रेंड्स को बता दो। अब इतना ज्यादा थक चुकी है फ्रेंड्स पढ़ के क्योंकि पहले तो हम पढ़े नहीं, क्योंकि पहले तो हमने इतनी ज्यादा स्टडी करी नहीं थी ना। गाइस आपको एक चीज दिखानी है। नहीं पहले ऐसी पहले पूरी बात कर, पहले बात कर फिर दिखाना जो दिखाना है। पता क्यों? पहले तो लेकिन तब भी मैं काम कर रही हूँ। ये देखो फ्रेंड, ये पढ़ वो लिखा है। अभी ना एक्चुअली इसका रेस्ट टाइम चल रहा था तो इसने थोड़ा रेस्ट टाइम, ये रोज का रेस्ट टाइम नहीं, आज पहली बार थोड़ा सा मिला है। हाँ क्योंकि आज आयशा ना बहुत ज्यादा सुबह से पढ़ी है, बहुत ज्यादा। अभी थोड़ा सी रिवीजन रहती है पर चलो कोई बात नहीं, 10-15 मिनट का रेस्ट ले लो, उसके बाद करते हैं ठीक है। ये कर कर ही है, देखना पागल होगी। बेटा कल एग्जाम है ना, तो आज फटाफट से रिवीजन करके आ, जल्दी भी सोना है। अच्छा कल का एग्जाम बता रही है, तीन बार बोल दिया मैंने, कल कौन सा एग्जाम है ये तो बता दो। मैथ टफ फ्रेंड्स, राइशा को सबसे ज्यादा टफ लगती है मैथ्स करना है, और आपको क्या लगती है आप हमें कमेंट में जरूर बताओ। मैथ्स ही लगती है, मैथ्स टफ होती है क्या? मैथ्स टफ होती है जब आप प्रैक्टिस ना करो पहले से, पता है लेकिन अगर कुछ लर्न करने का होता तो बच्चे समझ आती है, आप चलते चलते पढ़ रहे थे, मैथ्स आप लिख के नहीं कर। चलो ऑल द बेस्ट। 10 चैप्टर आ रहे हैं, उसमें मेरी दो कॉपियां लग गई। मैं तो काफी नहीं रुक रही, दो कॉपियां लग गई। तो फ्रेंड्स, रायशा की जितने फ्रेंड्स हैं और जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं उन सबको ऑल द बेस्ट। एग्जाम जो सबके हो रहे हैं ना इस टाइम अच्छे से जाए, क्योंकि यही टाइम होता है, थोड़ा सा पढ़ लोगे ना तो अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर उसके बाद घूमने भी तो जाना है। बताएंगे नहीं अभी, हम अभी नहीं जाएंगे, बाद में बताएंगे ठीक है, जब पहुंच जाएंगे, जब पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है, तो चलो चलो फ्रेंड्स, मुझे एक चीज दिखानी है, मुझे एक चीज दिखानी है। दिखा दिखा दिखा, रुक जा। हाँ स्कूल में बहुत बच्चे प्रैक्टिकल में एक वजह से उनका मार्क्स खराब हुए हैं, ये देखो यहाँ, जैसे कि हमने टाइम पकड़ रही हूँ, आप बताओ यहाँ लिखो, ये देखो यहाँ टाइम टेबल लिखा है टुडे। अब देखो यहाँ दिखाओ कीबोर्ड में, अच्छा कीबोर्ड में आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट का नहीं है, तो आपको ये दबाना है, ये देखो यहाँ ऊपर पॉइंट बना हुआ है, ये नहीं समझना कि ऊपर दबा दो कि मिल जाएगा, ऊपर दबाया तो भी यही आएगा, इसे बैक स्पेस कर दिया, अच्छा और यहाँ इसे दबा के इसे और ये शिफ्ट को ऐसे करा, ये देखो ये बीच बीच में मिल जाए, वो अभी मैंने अच्छे से एक बारी में दबाया नहीं था ना, इसलिए हो गया शुरू में। ये देखो ये वापस देखो ये और ये, ये देखो ये बने हुए। तो और आपको ये बात पता है शिफ्ट का बटन सिर्फ यहाँ नहीं होता, आप पता ही है ना। हाँ तो फिर आप एक उधर से दबा रहे हो एक इधर से दबा रहे हो, आपको ये इजी वे करना चाहिए था ना। आया समझ? मैंने कहा तो मैं पागल हूँ। किसकी याद आ रही है एग्जाम के दिनों में? ड्राइंग की। सो ड्राइंग की, क्योंकि मुझे ड्राइंग ड्राइंग ऐसे भी
राजा खेलती तब मैं ड्राइंग ज्यादा करती है, वो सबसे ज्यादा अपनी ड्राइंग मिस कर रही है ना। नहीं खेल, खेलने का मैं मिस कर रही हूँ, तो अब तो होगी राइशा की रिवीजन भी, और अब राइशा खाना खाएगी और हो जाएगी। आपको पता है गाइस इसको वीडियोस कैसे बनती है? कैसे बनती है? बड़े जनों की, बड़े जनों की। अच्छा राइशा थंबनेल कैसे होता है, मतलब थंबनेल में जो हेडिंग लिखते हैं वो कैसे होता है? राइशा पढ़ते पढ़ते सो गई। इस वीडियो के हेडिंग में यही रखूंगी। क्या? नहीं क्या ये नहीं बताना, मैं यही रखूंगी। चलो फ्रेंड्स।